आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। प्रिय दर्शकों, मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जी लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। चलिए आज हम गुरवाना कोट दर्शन के माध्यम से आप लोगों को हम एक ऐसा बीहड़ पहाड़ के बीच में स्थित हमारे गुरवाना की पेन शक्ति पेन थाना, जिसको कुकड़ा पानी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिए आप बीहड़ पहाड़ के बीच में है यह कुकड़ा पानी। तो ये जो स्थल है कुकड़ा पानी गांव, तरेगांव जंगल बोल्ला ब्लॉक जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह जो पहाड़ का एक विशेष महत्व है, यह स्थल का एक विशेष महत्व है कि हमारी कई हमारी किंवदंतियाँ हैं जो हमारी एक गुरवाना स्टेट के समय, गुरवाना राज्य के समय, जब मंडला से राजा जो रानी को ब्याहने आई थी, विवाह में आए थे, तो भी उनका राजा और रानी का जो दूल्हा और दूल्ही का क्या हो रहा था, बारात जब वापस हो रहे थे तो उसमें ये था कि उसको सुबह दिन उगने से पहले, कुकड़ा के बासने से पहले उनको अपने स्थान मंडला पहुँचने थी। किंतु आप देख रहे हैं कि तरेगांव जंगल की जो दलदली वाला रोड है अभी बना है, उससे पहले ये रोड सात काट में दलदली जाने का रास्ता था। दलदली से फिर मोई से फिर मंडला, ऐसे इसका जो एक रोड बना हुआ था, प्राचीन जो मार्ग थे वो थे। तो जब वो आए दुल्ही को ब्याह के खर्चा को नहीं देखे ले जा रहे थे, तो उनको शाम सुबह होने से पूर्व, कुकड़ा बासने से पूर्व वहाँ स्थल अपने घर पहुँचना था। किंतु वो जब रात में आए तो एक बहुत बड़े कहे जाए तांत्रिक विद्या का जो यह जो स्थल है, तो उन्होंने रात का ही समय था, किंतु मुर्गा का बोलने से, मुर्गा का आवाज़ आया, जैसे कुकड़ू कू सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे मुर्गा बाजते हैं, सुबह का संकेत देते हैं, सुबह होने का संकेत देते थे। उस समय घड़ी नहीं था समय देखने के लिए, तो मुर्गा को ही वो देखते थे या फिर चंदा को देखते थे। तो अंधेला रात था, तो मुर्गा जब बसे तांत्रिक क्रिया से जो बनाया हुआ मुर्गा यहाँ बसे, क्योंकि उस दूल्हा दूल्ही को रोकना था। तो पहले क्या होता था, कई मेड़ों में जब बारात जाते थे तो दूल्हा दूल्ही या दोषी जो थे उनका वो तांत्रिक जय क्रियाओं का सामना करना पड़ता था। तो उसी का जो जब हुए तो मुर्गा बास दिया, मुर्गा बासे तो लोग सुबह हो गया, सुबह हो गया कि दूल्हा दूल्ही का वो जो हिंडोलना था उसको उतारे। उतारने के बाद फिर देखे तो नहीं हुआ था, फिर वो एक बार उतर गए यानी यहीं स्थापित हो गए। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे दूल्हा दूल्ही, जिसको राजा और रानी कहते हैं, 2.5 दिन का राजा रानी अगर इस दुनिया में कोई है तो वो दूल्हा दे दूल्ही राय, तो वो दूल्हा दे दूल्ही राय राजा और रानी का जो यहाँ वो प्राचीन कहावत के अनुसार कि जब वो उसका हिंडोलना उतरा, सुबह हुआ मुर्गा बासे कुकड़ा जब बासे तो फिर वो उतरे तो वही फिर वो पत्थर बन गए। इस प्रकार से हमारी लोगों की एक किंवदंतियाँ रही हैं। और उसी समय से हमारे लोग फिर यहाँ राजा रानी 2.5 दिन के राजा रानी दूल्हा दूल्ही का आराधना, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यहाँ यात्रा लगती है। यात्रा में 1 जनवरी की यात्रा लगते हैं, यात्रा में यहाँ की जो दूल्हा पेन दूल्ही दाई जो 2.5 दिन के राजा रानी थे उनका अर्जी गोंगो हमारे समाज के लोग और नहीं अपितु पूरा इस क्षेत्र के लोग करते हैं। और यहाँ किसी भी का जो युगल जोड़ा है, किसी भी युगल है, युवा है, युवती है, अगर उनका ब्याह नहीं लग रहा है या फिर उनका जोड़ी नहीं बन रहा है, तो वो आकर के यहाँ दूल्हा दूल्ही राजा रानी का अगर सही परब में आकर के वो उनसे अर्जी विनती करें, अपना जोड़ी के लिए उसको वो अर्जी करें, विनती करें कि मेरे को जोड़ी, मेरे समकक्ष का मुझे जोड़ी बना दे, जोड़ी मिले, तो यह जो राजा रानी हैं वो दूल्हा दूल्ही आशीर्वाद देते हैं और उससे उसके फिर उसका जोड़ी बनना, उसका विवाह होना तय है। तो ऐसा यहाँ की किंवदंतियाँ हैं, ऐसे यहाँ की मान्यता है। तो चलिए साथियों, आप लोगों को हम ले चलते हैं दूल्हा दूल्ही के स्थल पर। ये देखिए इतना पहाड़ में फिसलनदार पत्थर है, पत्थर के एक नदी है, नाले है, नदियाँ है, नदी समझ जाएंगे, बड़ा सा नदी है।
इधर से, इधर से बारिश की वजह से चढ़ने उतरने का रास्ता में थोड़ा से अवरुद्ध सुपल हो गया है। ये हमारे पेन स्थल है ना, नो नीचे में राजा रानी यही पहाड़। हाँ ये देखिए दो पहाड़ है, अलग अलग है इस प्रकार से, ऊपर के एक राजा एक रानी है, इसी टाइप के राजा रानी के रूप में। हाँ। इसी पहाड़ को पत्थर बड़ा सा है जो अधर से लगता है, इसी को अर्जी करते हैं, विनती करते हैं साथियों। फिर नीचे पहाड़ में पैर का निशान है, यहाँ हमारे गुणवाना के भूमक संघ जो हैं वहाँ यहाँ आकर के कूड़ा पानी के जो क्षेत्र के हैं वो लोग यहाँ आकर प्रति वर्ष अर्जी विनती भोंगो करते हैं। आप देख सकते हैं ये सब स्थल को, ये कुंड है नीचे में, साथियों प्रिय दर्शकों हमारा ये जो है ये पहाड़ है, दो पहाड़ कटा हुआ है, अलग अलग है, एक राजा है एक रानी है। राइट साइड का जो राजा है, लेफ्ट साइड का जो रानी है, जो एक पहाड़ के रूप में पत्थर बन गया। इस प्रकार से हमारी लोगों की एक अवधारणाएं हैं, की मान्यताएं हैं, और मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया, जो भी कुंवारा युवा या कुंवारा युवती अपने शादी को लेकर के चिंतित है, विवाह को लेकर चिंतित है, उनका विवाह नहीं लग रहा है, परेशान है वो, तो वो एक बार यहाँ 1 जनवरी को आकर के यात्रा में आकर के ये राजा रानी दुल्हा दुल्ही को वो अपना अर्जी दे और उनकी अर्जी बिल्कुल स्वीकार होगा और 1 साल के अंदर में उसका विवाह बिल्कुल होगा। ऐसा यहाँ की शक्ति का बहुत बड़े चमत्कारिक लाभ है जो इस क्षेत्र के लोगों ने ली है, ये हमारी मान्यता है। आप इधर देखिए, ये जो है यहाँ का जल है, यहाँ कुंवारा कुंवारी लड़की आते हैं यहाँ, वो यहाँ के जल को स्नान कर ले और यहाँ पे आकर के फिर वो अपना अर्जी कर ले, जो भी है उनकी मन जो विवाह के संबंध में, या फिर कोई दुल्हा दुल्ही युगल जोड़ा है उनका बच्चा नहीं आ रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ की यात्रा के समय आके पंडा भूमिकाओं के माध्यम से यहाँ स्नान करके यहाँ अपना अर्जी करे, विनती करे, तो उनको भी 1 वर्ष के अंदर में उनको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा यहाँ की हमारी शक्तियों की एक मान्यता है। यहाँ लाखों करोड़ों लोग यहाँ की शक्तियों के जो प्रताप को, शक्तियों की जो आशीर्वाद को ले चुके हैं, तो आप सभी से भी निवेदन है कि जो भी है परेशानी में है वो यहाँ आकर के लाभ अवश्य लें। फिलहाल आप सभी को सेवा जोहार। हमारे कैमरा मैन भैया कुंड को भी दिखा दीजिए, जहाँ पत्थर की जो एक कुंड है वहाँ 12 माह पानी रहता है, 12 माह जल रहता है, वहाँ जल कभी सूखता नहीं है। आप पास में लेकर आज आकर के दिखाइए। अब ये देखिए इधर पूरे नाला है, नदी कहे जाए तो, और ये कुंड इतना अथाह है, यहाँ कितना गहरा है आज तक कोई माप नहीं सकता, इतना गहरा ये कुंड है, जिसको कुंड बोले या फिर जल का जो जमावट का स्थल है, ये
इस प्रकार से हमारी एक शक्ति जीतन का एक महत्व है। साथियों, आप सभी से अपील है कि आप आए और इस शक्ति स्थल का दर्शन करें और अपने जीवन में यहाँ की जो शक्तियों का आशीर्वाद लें। जिस प्रकार से आप देखे हैं हमारी यह जो कुकरा पानी का जो स्थल है जिसको आप लोग सब जानते हैं राजा रानी, तो आज भी यहाँ राजा रानी जो है एक नाग की जोड़ा के रूप में यहाँ अभी हर हमेशा लोगों को दर्शन करते हैं। अभी हमको दर्शन हुआ है, आज भी नाग के रूप में वो राजा रानी यहाँ रक्षा करते हैं, यहाँ की शक्ति को वर्चस्व को शक्ति के बनाए रखे हैं। साथियों, जब भी आप आएँ यहाँ आकर के नाग नागिन का जोड़ा है उसका दर्शन करें। आप सभी से यही विनती है। सेवा जोहार, जय प्रापेन, जय गुड़वाना, जय लंग। छीन के लेंगे अपना हक।